फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक टॉप सीक्रेट सेटिंग दिखाने वाला मोबाइल स्क्रीन पे, जिससे आप जियो के इंटरनेट स्पीड को जो बहुत ज्यादा एमबी तक बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे इलाके में जो है जियो का इंटरनेट जो है बहुत ज्यादा खराब है। मुझे पहले 1.5 GB का एक फिल्म डाउनलोड करने में 30-40 मिनट का टाइम लग जाता था, बट मैंने इस सेटिंग करने के बाद जब मैंने 1260 MB का एक फिल्म डाउनलोड करने की कोशिश किया, तो मेरा वो फिल्म जो है विद इन 10 मिनट जो है मेरा डाउनलोड हो गया। तो आप समझ सकते हैं सेटिंग करने के बाद मुझे कितना स्पीड मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को वीडियो अपलोड करती पहले नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाए। फिर सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग ऑप्शन को ओपन कर लीजिए। सेटिंग ऑप्शन को ओपन करके आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसका नाम होगा सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क। उसको आप क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करते आपका अपना सिम जो है दिख जाएगा, जैसे कि है जियो जियो 4G। उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते आपको यहाँ पे थर्ड नंबर पे ऑप्शन दिखा है, जिसका नाम होगा एक्सेस पॉइंट नेम। इसको आप खोल लीजिए। उसको खोलते के बाद आप देख सकते हैं पिन जो है यहाँ पे खुल के आ गया। आपको सिंपली न्यू पिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप नेम पे क्लिक कीजिए। नेम पे आप दे दीजिए जियो 4G। जियो का जो जे जो है ऐसे कैपिटल होना चाहिए, और 4G के बाद 4 का जो जी आता है वो भी कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद सिंपली आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका आता है APN। APN आपको देना होगा जियो नेट, जिसमें भी जियो जो है जे कैपिटल होना चाहिए और नेट का N जो है कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको प्रॉक्सी नॉट सेट रहने देना है, पोर्ट भी नॉट सेट रहने देना है। उसके बाद आता है यूजर नेम। यूजर नेम पे आप सिंपली दे दीजिए जियो इंटरनेट, जिसमें जे कैपिटल होना चाहिए और इंटरनेट का आई जो है कैपिटल आपका होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है पासवर्ड। पासवर्ड पे आप बिल्कुल छेड़खानी मत कीजिए। पासवर्ड पे आप छेड़खानी करेंगे या फिर पासवर्ड देखिए आप भूल जाएंगे, तो आपका नेटवर्क जो है हमेशा के लिए ब्लॉक हो सकता है। इसके बाद आपका आता है सर्वर। सर्वर पे आप सिंपली google.com देंगे तो नहीं चलेगा। आपको देना होगा यहाँ पे www.gogle यानी google.com। इसके उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका आता है MMSC कोड, वो भी आप नॉट सेट रहने दीजिए। उसके बाद MMS प्रॉक्सी, उसके भी नॉट सेट रहने दीजिए। उसके बाद MMS पोर्ट, उसको नॉट सेट ही रहने दीजिए, सबसे बेहतर होगा आपके लिए। इसके बाद आता है सबसे में जो जरूरी चीज़ है MCC और MNC। इसको आप जो भी आपके पास आपके फोन में दिया गया है वही रहने दीजिए, क्योंकि ये जो है एरिया कोड है, इसको आप चेंज मत कीजिए। इसको आप चेंज करेंगे तो जियो नेटवर्क को लगने लगेगा कि आपका फोन जो है चोरी हो गया है और इसका आपका फोन का जो है कोई और यूज कर रहा है। इसको आप बिल्कुल छेड़खानी मत कीजिए, आपका नेटवर्क और सिम जो है बिल्कुल हमेशा के लिए ब्लॉक हो सकता है। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है आपका ऑथेंटिकेशन टाइप, इसको आप नॉट सेट रहने दीजिए। उसके बाद APN टाइप को भी आप नॉट सेट रहने दीजिए। उसके बाद आपका आता है APN प्रोटोकॉल। APN प्रोटोकॉल को आप हमेशा IPv4/IPv6 पे क्लिक करके सेट कर दीजिए। इसके बाद आपका आता है APN रोमिंग प्रोटोकॉल को भी आप सेम ही रख लीजिए, मतलब IPv4/IPv6 क्लिक करके सेट कर दीजिए। उसके बाद आपका आता है BRR। BRR को हमेशा जो है LTE पे सेट करिए, ऊपर जो इसका अनक्लिक कर दीजिए, ताकि आपका फोन हमेशा 4G पे चलते रहे। उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद MVNO टाइप को भी आप नाम रहने दीजिए। और इसके बाद जो आता है APN PPV फोन नंबर, इसको भी आप नॉट सेट रखिए। इसको कुछ भी छेड़खानी मत कीजिए। उसके बाद सिंपली आप मोड ऑप्शन पे जाइए। अब मेरे फोन पे जो नीचे दिख रहा है वो आपके फोन में शायद ऊपर भी दिखा सकता है। इसके बाद आपके यहाँ पे डिलीट APN सेव और डिस्कार्ड दिखेगा। आप सिंपली सेव क्लिक कर दीजिए। सेव पे क्लिक करते आप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे पास जो है अब दो APN आ गया। एक तो इंटरनेट जो कि मुझे जियो सिम खरीदने से मिला था, और एक जो है नया मैंने बनाया अभी जियो 4G। जो जियो 4G वाला इंटरनेट से ज्यादा स्पीड देता है, क्योंकि जियो 4G में मैंने सिर्फ LTE को सिलेक्ट किया है। मतलब इसका VPN APN सब कुछ मैंने चेंज कर दिया। इसका नाम जो है बिल्कुल जियो सर्वर पे मैंने रखा है, और इसका हमेशा जो है 4G पे चलेगा। फ्रेंड्स, आपका ये सब सेट करने के बाद, मतलब जैसे कि आपने देखा मैंने सेट किया, उसके बाद ऊपर जो है आपका नेटवर्क एक बार सिंपली ब्लिप करके आएगा। अब देख सकते हैं मैंने इसको सेट कर दिया। अब ब्लिप करके मेरा नेटवर्क जो आ गया, अब मतलब कि मेरा APN जो है चेंज हो चुका है। अब आपका इंटरनेट स्पीड जो है पहले से बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर जो है रिप्लाई जो है कर दूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के वीडियोस आपको हर रोज मिल सके।